नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीता है और जेएमएस ट्यूटोरियल्स की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम बताएंगे आपको पफ ब्लाउज डीप गले की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तीरा हमने 6 लिया है, गला 3 लिया है। ये यहाँ से 6 का निशान लगाते हैं ताकि ये बराबर रहे वहाँ और ऊपर और नीचे। मुड्ढा हमने 6 लिया है, ये चेस्ट 9.5, 9.5 का निशान ये लगा दिया यहाँ पर। ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए, जो सिलाई में लूजिंग आएगी उसका ये 2 इंच एक्स्ट्रा इधर से जाएगा। ये 2 और 9.5, 11.5। ये हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। 13 हमें तैयार रखना है ब्लाउज, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो नीचे सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर। ये 14 इंच, वो 1/2 इंच नीचे। 3 इंच नीचे पट्टी रखनी है, गला डीप बनाना है इसमें। 11 इंच का गला बनाना है हमको तैयार। ऊपर 3 रखा है और नीचे भी 3 रखेंगे। 11 इंच का हमें गला चाहिए, ये लाइन खींच दिया। नीचे थोड़ा हमें गहराई ज़्यादा चाहिए इसलिए 1 इंच बढ़ा देते हैं। ये 4 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब ये तिरछा लाइन, हम सेब पट्टी से तिरछा लाइन खींचेंगे। तिरछा लाइन खींचने के बाद में ये हम हल्की सी गोलाई दे देते हैं नीचे से ही, ज़्यादा ज़्यादा नहीं देना है। 2 इंच की गहराई, 2 इंच का निशान लगाने के बाद में ये हमने गोलाई सेब दे दिया इसका, जो मुड्ढे की 3 होती है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये कटिंग यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लेकर के काटना है हमको ताकि ये गिरे ना गला। हल्का सा तिरछा लिया यहाँ पर और ये यहाँ से काट दिया हमने। ये गोलाई सेप वहाँ से गहराई नहीं देनी है, ये पीछे का पल्ला है इसलिए इसमें गहराई नहीं दी जाती है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, ये सिलाई में आएगा बाद में। इसको गला हम बाद में काटेंगे जब कपड़े पे उसकी कटिंग करेंगे। अब आगे का पल्ला इसमें निकालते हैं। कपड़ा हमने बराबर कर लिया है इसका और अब निशान लगाते हैं नीचे से। ये हमने बराबर कर लिया है कपड़ा। अब इसकी लंबाई नीचे से हम नापेंगे ताकि ऊपर हमें कपड़ा मिल सके 3 के लिए। ये 14 इंच डीप गला बनाना है इसलिए हम आगे और पीछे दोनों की लंबाई बराबर रखेंगे, दोनों पल्ले की, क्योंकि पीछे हुक वाला ब्लाउज बनाना है इसलिए दोनों पल्ले की लंबाई बराबर होगी। ये लाइन खींची मैंने और इसका तीरा मैंने 5.5 लिया।
यहाँ पर भी मैंने 5.5 लिया है ताकि बराबर सीधी लाइन रहे। नीचे ये 6, मुड्ढा मैंने 6 कर लिया है और चेस्ट 9.5। सेम पीछे का ही निशान रहेगा, जो पीछे के पल्ले में लगा है वही चीज सेम रहेगा, सिर्फ जो है ये भी हमको नाप लेना है ताकि यहाँ से भी लाइन तिरछी ना हो सके। गला मुझे 3 पे निशान लगाना है, ये लगा दिया मैंने 3 पे निशान। अब ये साढ़े पांच आगे का गला कर दिया है, ये ज्यादा डीप नहीं रहेगा आगे का गला। अब 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया है, ये 2 इंच हो गया। ये मार्जिन छोड़ते हैं कि कभी ढीला कसा करना हो ब्लाउज तो हमें ये ना सोचना पड़े कि ये कपड़ा हम कहाँ से लाएं, इसलिए 2 इंच मार्जिन रखते हैं। 2 इंच 1.5 इंच भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, 2 इंच भी रख सकते हैं। ये लाइन खींच दी सीधी से पट्टी से, ये लाइन खींचिए और ये सिलाई वाली लाइन खींचिए, इस पे हमको सिलाई चलानी है, ये फिटिंग है यहाँ की। अभी हम 1-2 इंच पीछे रखते हैं और 1 इंच आगे रखते हैं, इसमें गहराई देनी होती है हमको। ये आगे का सेव है पल्ला, इसलिए हमको आगे वाले पल्ले में ज़्यादा गहराई देनी रहती है। 1 इंच का अंतर रखते हैं, पीछे 2 इंच और आगे 1 इंच। ये गोलाई दे दी गले में, बस हल्की सी गोलाई देते हैं नीचे से ही। अब हमें निशान लगाना है प्लेट का, जो टक्स हम टक्स बनाते हैं ये उसका निशान है 3.5 पे। ये पफ वाला ब्लाउज है इसलिए इसमें सिर्फ यही एक प्लेट पड़ेगी। ऊपर से इसकी लंबाई नापते हैं 10 इंच पे, निशान लगाने के बाद में नीचे जो बचता है कपड़ा उसकी वहां तक प्लेट पड़ती है। इसमें मैंने 4 इंच की प्लेट लगाई है, इसकी लंबाई 14 इंच है, इसलिए 10 इंच ऊपर से नाप करके 4 इंच की प्लेट डाल दी मैंने। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये गले की कटिंग हो गई और यहीं से मैंने जो है मोड़ ली कैंची, ये हल्का सा तिरछा काटते, काटने के बाद में ये मुड्ढा हो गया और ये कटिंग वाली लाइन हो गई। दूसरी वाली लाइन पे हम सिलाई चलाएंगे। जो मार्जिन का कपड़ा है उसी के बाद से कटिंग करनी है और ये गहराई दे दी। ये गहराई इसलिए दी जाती है कि हमारे जो मुड्ढे पे झोल आता है वो ना आए। ये कट लगा दिया मैंने, यहीं से सिलाई देनी है। अब मैं इस कपड़े से आस्तीन निकालती हूँ। ये बराबर कर लिया कपड़ा और ये आस्तीन, आस्तीन हमको चाहिए 12 इंच की और उसमें मैंने मुड्ढे का निशान 6 लगाया था। आस्तीन में 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं इसलिए कि जो सिलाई में जाता है वो गोलाई होती है उसकी, उसमें सिलाई थोड़ा ज़्यादा जो है गहराई होती है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद में इसको ये कट कर देते हैं 7 इंच पे गोलाई दे करके। ये कटिंग कर दी मैंने। अब ये लाइनिंग की कटिंग हो गई है, अब मैं कपड़े पे इसको रख के काटूंगी।
ये कपड़ा है, इस पे मैंने ऐसे जो लाइनिंग वाला कटिंग है वो उसको उस पे पूरा फैला लिया है। अब इसकी कटिंग थोड़ा कपड़ा छोड़ करके एक्स्ट्रा हम कटिंग करेंगे। अभी नीचे से बराबर कर देते हैं हम, लाइनिंग के बराबर कट कर दिया है नीचे से, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ कर इसकी कटिंग करते हैं। वो जब हम लाइनिंग को उसमें जोड़ेंगे तो इधर उधर घट बढ़ जाता है, इसलिए उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद जो है इस पर कच्ची सिलाई करेंगे। कच्ची सिलाई करने के बाद में फिर हम वो उसके बराबर काट देंगे। ये एक्स्ट्रा करके काट दिया मैंने। ये आगे का पल्ला है, इसको बीच से नहीं काटना है क्योंकि ये पफ वाला ब्लाउज बनाना है, इसलिए इसको हम बाद में गले की कटिंग इसकी बाद में करेंगे। अब इस कपड़े पे पीछे का पल्ला हम कटिंग करते हैं ऐसे। ये बराबर कर लिया है, पीछे का पल्ला इस पे ये पीछे का पल्ला है, इसको फैला दिया है इस पे। पीछे गले की कटिंग मैंने नहीं करी है, उसको बाद में कटिंग करेंगे लाइनिंग को कपड़े में जोड़ने के बाद में। ये नीचे से बराबर कर दिया इसको, ये उसी तरीके से इसकी भी कटिंग करते हैं थोड़ा कपड़ा छोड़ करके। ये साइड से काट करके ये कटिंग कर दी इसकी। ये पीछे का पल्ला कट गया है। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। ये कपड़ा बचा है, इसमें लेस लगी हुई है, ये इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्ड किया मैंने, ये लेस हम नहीं निकालेंगे, उसी में कटिंग करेंगे। ये दो परत है, ये चार परत में कर दिया इसको। दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग होंगी। यहां से बराबर कर लेते हैं। इसके साइड से ये निकाल देते हैं रेसे इसके। इसमें मुझे जॉइंट करना पड़ेगा कपड़ा, क्योंकि कपड़ा कम है थोड़ा। ये दो परत है, बराबर कर लिया इसको, फिर इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में ये जो हमने लाइनिंग कटिंग करी थी आस्तीन लाइनिंग, ये इतना छोटा है तो इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे लेस के बगल से। लेस पे हमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मोटा कपड़ा है। और यहां से अब ये 12 इंच की आस्तीन हमें तैयार करनी है, इसी के साइज से रख के काट लेते हैं। ये कटिंग हो गई इसकी, और ये जो आपको दिख रही है लाइनिंग थोड़ा लंबी, ये इसको हम अभी इसको सीधा काटने के बाद में इसमें हम दूसरा कपड़ा जोड़ेंगे पट्टी। ये हो गया मेरा। अब ये दो आस्तीन है इसकी,
अभी जो कपड़ा बचा हुआ कपड़ा है इसकी पट्टी हम बराबर काट के 2 इंच की पट्टी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई उसके बराबर, इसमें 2 पट्टी निकाल लेंगे। ये 2 पट्टी एक आस्तीन में लगेंगी दोनों तरफ से एक एक। अगर एक तरफ से हम जॉइंट जोड़ डालते हैं तो जो है जब हम आस्तीन बना के तैयार करेंगे तो जॉइंट हमें दिखेगा एक तरफ से आस्तीन में, इसलिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जोड़ डालने पे हमको सिलाई जो है दिखती नहीं है, जॉइंट नहीं दिखता है। ये 4 पट्टी हो गई हैं 2-2 इंच की। अब 2-2 इंच की पट्टियाँ हम इसमें जोड़ देंगे। ये लाइनिंग है और ये कपड़ा। अब ये लाइनिंग हम इस पे जो है ऐसे इसको ऊपर से बराबर रखेंगे, नीचे से हमें नहीं चाहिए, नीचे मोटा कपड़ा है इसलिए ऊपर से इसको बराबर करके नीचे सिलाई कर देंगे। और ये 2 पट्टी जो हमने काटी हैं एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक इस तरफ कर दी मैंने, ये आगे से हल्का सा फोल्ड कर दिया ताकि रेशे ना निकले, और एक ये दूसरी तरफ। मुझे बस सिलाई भर का कपड़ा चाहिए था, जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने 2-2 इंच ब्लाउज में काटा है वही एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे आस्तीन में भी चाहिए, इसलिए मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। ये आस्तीन की कटिंग हो गई है, दोनों आस्तीन की कटिंग हो गई है, ये पट्टियाँ इसकी हैं। ये इसकी पट्टी है 2 आगे से, ये इसकी दूसरा वो लाइनिंग है। इस ब्लाउज की स्टिचिंग हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।